हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू वैभव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग कैप्सूल पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बैंकिंग कैप्सूल पार्ट वन, आज का हमारा है बैंकिंग कैप्सूल पार्ट टू। और आने वाले टाइम में आपको और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, इसमें हम बात करते हैं आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। एंड इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई, अर्लियर इन कैलकटा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो हेड ऑफिस पहले कैलकटा में था, अब कहां आ गया है? अब इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो आपसे कोई सवाल पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां है, तो ये है मुंबई में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, पहले ये प्राइवेटाइज था। प्राइवेटाइज का मतलब समझिएगा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसमें फॉरेन कैपिटल ज्यादा लगा हुआ था और हमारी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं था। लेकिन 1 जनवरी 1949 आजादी के बाद भारत की गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा इसके शेयर्स खरीद लिए और इस पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये नेशनलाइज हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हो गया था। अब हम बात करते हैं लास्ट 4 आरबीआई गवर्नर्स की। ठीक है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 22nd आरबीआई गवर्नर थे डी सुब्बा राव, जिनका कार्यकाल 5 सितंबर 2008 से 3 सितंबर 2013 तक रहा। 23rd गवर्नर रघुराम जी राजन रहे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 3 सितंबर 2016 तक रहा। 24th गवर्नर उर्जित पटेल रहे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 रहा। 25th गवर्नर शक्तिकांता दास रहे, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2018 से शुरू होकर के अभी तक फिलहाल चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ऑन 19th जुलाई 1969। याद रखिएगा डेट 19th जुलाई 1969। 14 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ठीक है, वो पहले प्राइवेट बैंक थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए 50% से ज्यादा उनके शेयर्स खरीद लिए थे और एक हिसाब से गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था उन बैंक्स पे, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स सोसाइटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, पहली बार कब नेशनलाइजेशन हुआ था? 19 जुलाई 1969, 14 बैंक्स। दूसरी बार कब नेशनलाइजेशन हुआ? 15 अप्रैल 1980, 6 बैंक्स। ठीक है, तो कुल मिला के कितने बैंक्स नेशनलाइज हो गए? 20 बैंक्स। लेकिन अभी कुल मिलाकर के 19 बैंक्स ही नेशनलाइज हैं, क्योंकि दो बैंक्स आपस में 1993 में मर्ज हो गए थे, जिनके बारे में अभी बता रहे हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, सो टोटल नेशनलाइजेशन बैंक इज 19th। ठीक है, 19 बैंक हो गए कुल मिलाकर के, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बैंक मर्ज हो गया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट कह रहे हैं, दिस एंटायर प्रोसेस रिजल्टेड इन 20 इनिशियलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया बाय 1980। आउट ऑफ द अबव 6, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वर लेटर मर्ज्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। दिस लेफ्ट 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन 14 बैंक्स की, वो कौन से 14 बैंक्स थे जो 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हुए थे। पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा बैंक देना बैंक, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक, पांचवा है सिंडिकेट बैंक, छठा है केनरा बैंक, सातवां है इंडियन बैंक, आठवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, नौवां है बैंक ऑफ बड़ौदा, दसवां है यूनियन बैंक, ग्यारहवां है अलाहाबाद बैंक, बारहवां है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तेरहवां है यूको बैंक और लास्ट 14th बैंक इज बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 14 बैंक्स जो थे वो 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज कर दिए गए थे। फिर
फिर उन छह बैंक्स की बात कर लेते हैं जो 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइज हुए थे। पहला बैंक था पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा था विजया बैंक, तीसरा था ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा था कॉरपोरेट बैंक, पांचवा था आंध्रा बैंक, छठा था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो ये छह बैंक 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइज हो गए थे। आगे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम, और सवाल ये है कि क्या SBI एक नेशनलाइज बैंक है? देखिए, आप अंतर समझिएगा कि नेशनलाइज बैंक और गवर्नमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। अगर कोई सरकार अपनी बैंक खुद लेकर के आती है तो वो गवर्नमेंट की बैंक है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा तो वो नेशनलाइज हो जाती है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। SBI नेशनलाइज बैंक नहीं है, ये सरकारी बैंक है। नेशनलाइज उसे कहते हैं जो पहले प्राइवेट होता है, प्राइवेटली काम करता है, फिर उसके 50% से ज्यादा शेयर्स सरकार खरीद लेती है तो नेशनलाइज कर देती है। यहाँ सवाल पूछ रहे हैं इज SBI अ नेशनलाइज बैंक। यहाँ कहा जा रहा है कि 1955 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉट अ 60% स्टेक इन बैंक एंड रीनेम्ड इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक्ट 1955। इससे एक और सवाल आया कि SBI एक्ट कब आया था, तो इसका जवाब है SBI एक्ट आया था 1955। और 1955 में जब SBI एक्ट आया था तो SBI की जितनी भी शेयर्स थे उसके 60% शेयर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद लिए थे, सरकारी था, लेकिन साथ ही साथ RBI ने इसके 60% शेयर्स कंपनीज एक्ट 1956 आने से पहले ही खरीद लिए थे, और उस मोमेंट पे SBI एक्ट 1955 आया था। SBI जो है वो तीन बैंक्स का मर्जर था, आपको मालूम है, और उन तीन बैंक्स के मर्जर के बाद उस बैंक को बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो RBI का फंक्शन पहले परफॉर्म करता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921। आगे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 एंड अगेन इन 1980 SBI वॉज नॉट एडेड टू द लिस्ट ऑफ नेशनलाइज बैंक सिंस इट वॉज ऑलरेडी स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेशनलाइजेशन करने से पहले ही, क्योंकि 60% शेयर RBI के पास थे ऑलरेडी, तो नेशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है ना। प्राइवेट के 50% से ज्यादा शेयर खरीद के नेशनलाइज कर रहे थे, इनके 60% शेयर्स तो पहले ही सरकार के पास थे, तो ये नेशनलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये सरकारी था एक हिसाब से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू किया था ना, प्राइवेट थोड़ी थे। आगे कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स के नेशनलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स द ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया रोज टू अप्रोक्सीमेटली 800% इन डिपॉजिट्स। ठीक है, नेशनलाइजेशन जैसे हुआ बैंक्स का, वैसे ही इंडिया में जो भी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो भी जमा की गई धनराशि थी वो 800% बढ़ गई। रीजन क्या था? कि लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा था। प्राइवेट कंपनियां कब बंद हो जाएं, कब क्या हो जाएं, आप देख रहे हैं बैंक्स में बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट पे इसीलिए लोग बैंक में जमा नहीं करते थे। लेकिन जब वो सारी की सारी बैंक सरकारी हो गए तो क्या हुआ कि लोगों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया, और जितना भी डिपॉजिट था वो 800% बढ़ गया। एंड द एडवांसेस टुक अ ह्यूज जंप ऑफ 11,000%। एडवांसेस का मतलब लोन से समझिएगा, कि जो लोन लोगों ने लेना शुरू कर दिया वो भी बढ़ गया 11,000% तक। ठीक है, आगे कह रहे हैं गवर्नमेंट ओनरशिप गेव द पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ एंड इमेंस कॉन्फिडेंस इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो गवर्नमेंट का जो मालिकाना हक है ना, गवर्नमेंट ओनरशिप, उन्होंने पब्लिक को एक बहुत अच्छा भरोसा दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सस्टेनेबिलिटी है, ये लंबे समय तक रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यूको बैंक इंट्रोड्यूसेस प्री फंडेड चेक सीरीज ऑफ 1,000, 5,000, 10,000। भारत में पहला यूको बैंक था जिसने प्री फंडेड चेक्स की शुरुआत की थी, और वो 1,000, 5,000, 10,000 के प्री फंडेड चेक्स इशू करना उसने शुरू किया था। प्री फंडेड चेक्स क्या होता है जरा वो भी जान लें। प्री फंडेड चेक्स इज बैक्ड बाय प्री अरेंज्ड फंड्स केप्ट इन सेपरेट सेविंग और करेंट अकाउंट ऑफ द कस्टमर। एन अकाउंट होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन द फंड्स केप्ट इन द सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो। इट विल सेव द कमीशन इनकर्ड ऑन द इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक ऑफ गिफ्ट और गिफ्ट चेक्स। ठीक है, तो ये जो प्री फंडेड चेक्स होते हैं इसका एक सेपरेट अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे वो करेंट अकाउंट हो, जिसमें कुछ निर्धारित पैसे रखे जाते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और उसी डिनोमिनेशन के हिसाब से बैंक क्या करता है कि आपको प्री फंडेड चेक्स दे देता है। एक हिसाब से प्रीपेड है, बैंक में पैसा है तो आप चेक को इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मेरे बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपीज है तो मैं 1,000 रुपीज का चेक लेकर के
किसी को दे सकता हूँ और पैसा वहां ट्रांसफर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्री फंडेड चेक, जो नॉर्मली होता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? यूको बैंक ने की थी, ठीक है। एन अकाउंट होल्डर गेट्स इंटरेस्ट, और जो भी बैंक में पैसा रखा है, जो भी फंड है बैंक अकाउंट में रखा, उसमें अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऑल्सो इट सेव्स द कमीशन, तो इससे कमीशन भी बचता है चेक बनाने का, ट्रैवलर्स चेक का या गिफ्ट चेक का, ये सारा चीज। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये बैंकिंग कैप्सूल पार्ट टू आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे मालूम है कि पिछले बहुत दिनों से वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।